हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह कुशवाहा और आप लोग देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। सो दोस्तों, मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है, कई लोगों ने ये कहा कि यार भाई दीपक, आप एमटीवी ट्रोल पुलिस के ऊपर रिव्यूज क्यों नहीं देते हो? यार दीपक, एमटीवी के किसी प्रोग्राम के बारे में रिव्यू दे दो। तो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, आपके पैर छूकर, आपसे हाथ जोड़कर और आपके सामने सिर झुकाकर कि भैया मुझे माफ करो। एमटीवी एक ऐसा चैनल है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन बिल्कुल नहीं हूँ। अब मैं एमटीवी का बहुत बड़ा फैन क्यों नहीं हूँ ये जानने के लिए आप पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए। भोसड़ी के भोसड़ी के क्यों नहीं आ रहा बैंचोद? तेरी माँ चोद दूंगा मैं, चार जगह से माँ चोद देनी थी मैंने। तुम्हारा भेजा है ना, कान के रस्से निकाल के गांड के रस्से अंदर डालूंगा। फकिंग किडिंग मी, फट्टू बैठा हुआ मेरे सामने एक। हम तुम्हें दिखाएंगे गांड मारी कैसे जाती। बाप हमारे तुम, सच में चुदेगी। फकिंग लाइज गांडू चूतिया, माँ चुदाने गया है लंडे ऐसा भोसड़ी के। तेरी गांड और तेरी अकल एक बराबर है हरामी। कवार गदाई गदी कहेगी लड़की मैं बहन चोद पकाओ लोना बन चुका लोना। आप लोगों ने ये क्लिप देखी, अब आप तो जानते ही हैं कि मैं महासंस्कारी दीपक हूँ। मैं अपने चैनल में या अपने वीडियो में गाली गलौज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में एक दो वीडियोस में गाली दी तो आप दर्शकों ने मुझे टोक दिया कि यार दीपक आप गाली मत दिया कीजिए, इसलिए मैंने अपने वीडियोस में गाली वगैरह देना बंद कर दिया। लेकिन एमटीवी ऐसा चैनल है जहां पर कि लोग एंकर या कोई जॉब देना हो तो उनका सीवी, इनकी क्वालिटीज देखें ना देखें, वो ये देखते हैं एमटीवी की प्रोग्रामिंग टीम कि बंदा गालियां कैसी देता है, बंदा कैसी कैसी गालियां दे सकता है कैमरे के सामने। ये देखकर ही एमटीवी वाले एंकर्स रखते हैं, रण विजय हो या दोनों टकले भाई हो। अब देखिए, ये एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है कि किसको क्या पसंद है। अब लोग यूट्यूब पर गाली वाले वीडियोस देखते हैं, जैसे कि बीबी की वाइंस, द वायरल फीवर के वीडियोस, तो वो एक अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप गाली वाले प्रोग्राम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो आपके ऊपर है क्योंकि वो आपकी चॉइस है। लेकिन जब एक चैनल टीवी पर अगर कोई प्रोग्राम दिखाता है तो वो एक इंडिविजुअल चॉइस नहीं हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ, मैंने एमटीवी लगा दिया और वहां चैनल पर ये तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये सब शुरू हो गया, तो आप एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, आपको चैनल बदलना पड़ता है, आपके पेरेंट्स कह देंगे भाई ये क्या है बकवास है भाई। सो इसके लिए मैं एमटीवी का कभी बहुत बड़ा फैन रहा नहीं हूं, क्योंकि इस शो में अननेसेसरी और गैर जरूरी तरीके से गालियां दी जाती है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देने जा रहा हूं तो वहां पर मुझे कहा जाएगा कि तुम भैया क्या गाते हो, गा के बताओ, कि वहां पर बोला जाएगा ए भोसड़ी के चल गा के बता तेरी माँ की, मतलब ये क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एमटीवी वाले अपने आप को यूथ आइकन बोलते हैं, यूथ ओरिएंटेड चैनल बोलते हैं, और हर साल एमटीवी वाले एक अवार्ड देते हैं एमटीवी यूथ आइकन। बोलिए यूथ आइकन मतलब यूथ को इंस्पायर करने वाला चैनल है ये, और लेकिन करता क्या है, गालियां देना, गाली गलौज करना। और आजकल तो चुम्मा चाटी स्प्लिट्स वेला के नाम पर दुनिया भर की वल्गैरिटी परोसी जा रही है, और इसके बाद ये खुद को कहते हैं क्या, वी आर द यूथ आइकन, वी आर द यूथ आइकन चैनल एंड वी मेक यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम, आज के यूथ को इंस्पायर करते हैं। अबे ऐसे गाली गलौज करके कौन सा यूथ इंस्पायर होगा भाई? अबे पूरी इंडिया का बच्चा बच्चा पैदा होते ही पहले मम्मी पापा बाद में सीखता है, गाली गलौज करना पहले सीख जाता है, तो तुम अपने चैनल पे क्या दिखाना चाहते हो, गाली गलौज करना? अब हिपोक्रेसी के मामले में एमटीवी सबको पीछे छोड़ रहा है। अब इस एमटीवी का हिस्सा बन चुकी है तापसी पन्नू, तापसी पन्नू भी हिपोक्रेसी का झंडा बहुत तबियत से लहरा रही है। तापसी पन्नू दिवाली के टाइम पर बोली थी कि दिवाली के टाइम पर पटाखे नहीं चलाना चाहिए, पटाखों से पोल्यूशन होता है। लेकिन यही तापसी पन्नू पहुंच गई नए साल की पार्टी में, और ये पिक देखिए, यहाँ पर खूब आतिशबाजी के मजे ले रही है, मतलब यहाँ पे पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। अब इस ट्रोल पुलिस की बात करते हैं। अब इस एमटीवी ट्रोल पुलिस में आते हैं रणविजय सिंह, जो कि जो ट्रोल करने वाले जो बंदे होते हैं उनको समझाते हैं कि भाई सेलिब्रिटी से तमीज से बात कराकर, लेकिन उनके समझाने का तरीका वही है। अब एक बात बताइए मुझे कि किसी को कैसे बात करनी है, ये रणविजय सिंह बताएंगे लोगों को, जो सिवाय माँ बहन की गाली के किसी से बात तक नहीं करते रोडीज वगैरह में। और इस ट्रोल पुलिस में एक और बंदा आया प्रेम शर्मा, यहाँ बड़े इनके बोल निकलने लग गए हैं। ये एक बंदे को ऐसे धमका रहे हैं, इसे चिल्ला के बता रहे हैं तू कौन होता है किसी की बॉडी पर कमेंट करने वाला, तू कौन होता है किसी के चेहरे के, किसी के रिलेशनशिप पे कमेंट करने वाला, तू होता कौन है बताओ, ये बात कर कौन रहा है? प्रियंक जिसने पूरे बिग बॉस में शिल्पा शिंदे मोटी है, शिल्पा शिंदे सांड है, वो भाग नहीं सकती, इस प्रियंक शर्मा को सलमान खान ने कितनी बार टोका कि किसी के ऊपर पर्सनल मत हो प्रियंक, आप होते कौन है किसी के ऊपर कमेंट करने वाले, और ये प्रियंक शर्मा यहाँ पर एक अनजान से लड़के को चिल्ला रहा कि तू होता कौन है बे, मतलब हिपोक्रेसी
का झंडा बुलंद करके रखा है एमटीवी की टीम ने, और इसके लिए भाइयों बहनों मैं ये शो नहीं देखता हूँ। तो ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे पता चला है आज ट्विटर पे मोहल्ले की चाची आने वाली है। सो मोहल्ले की चाची यानी कि हिना खान आज ट्विटर पे लाइव आएंगी, और जाहिर सी बात है कि बिग बॉस में उन्होंने जो भी किया है वो उस पर एक्सप्लेनेशन देंगी, जस्टिफाई करेंगी, अपने हर झूठ पे कैसे सफाई देंगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हिना खान के जस्टिफिकेशन पे मेरा एक वीडियो तो बनता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा मोहल्ले की चाची के ऊपर, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा जरूर, और ये वीडियो स्पेशली एमटीवी वाला आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, और हाँ शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे प्यार देशवासियों और भाइयों और बहनों, देखते रहिए डीएसके टॉक्स।